Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Now we are going to learn about second lesson in English. Okay? The name of the second lesson is Ted. Ted is a pet dog. Have you any pets? Pet means जो हम मनोरंजन के लिए घर पे जो जानवर को पालते हैं वो ये पेट पेट एनिमल्स लैंड के बारे पेट एनिमल्स के बारे में जानते हैं क्या क्या पेट एनिमल्स कैट डॉग पैरेट स्क्विरल रैबिट ऐसे जानवर को हम पालते हैं ये है पेट एनिमल्स द लेसन इज अबाउट ए पेट एनिमल डॉग Have you any pet animal at home? आप किसी जानवर को पालते हैं क्या? तो do you have a pet? अब ना ये लेसन पे ये क्वेश्चन है do you have a pet? अपने घर पे जानवर को ऐसे पालते हैं तो yes लिखना नहीं तो no लिखना पेज नंबर 22 would you like to have अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहते हैं क्या एक जानवर को रखने के लिए ऐसे पालने के लिए है तो उसमें भी लिखना यस नहीं है तो नॉन विच एनिमल वुड यू लाइक एज अ पेट कौन सा जानवर आपको पेट एनिमल्स के रूप में पालना है क्या जानवर को पसंद है वो उसमें लिखना है कैट है तो कैट लिखना डॉग है तो डॉग लिखना अगर रैबिट है तो रैबिट लिखना और जानवर कुछ है तो लायन टाइगर ऐसे जानवर को पालना चाहते हैं क्या कोई जंगली जानवर को कोई पालते नहीं ओके जो पेट एनिमल्स में जो पसंद है आप इसी में लिखना है नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोयम एंड listen carefully. Listen carefully. Okay. I have a little brindle dog. She runs from tail to head. His name I guess is Ted. But just I like call him Ted. He is only about 8 months old. I guess he is just a pup. Dad says he won't be larger. When he is all grown up, he plays around about the house as good as he can be. He doesn't seem like a dog. He just like falls to me. When it is my bedtime and Ma is making the bird, I get into my pajamas and wish good night to Ted. My teddy is a playful dog. He never growls or bites, but sometimes with his barking, he keeps us up all night. We play fetch in the afternoons. When I come home from school, I playfully chase Ted sometimes, and he acts like a fool. We love each other dearly. My little Ted and me, we are the very best of friends and always hope to be. Written by Maxim Anna Buck. Who is the poet? Maxim Anna Buck. Adapted from the Ted. Ye Ted namak ek book hai. वो बुक के अंदर से लाया इसका ऑथर है वो लेखक है मैक्सिम अन्ना बग ये भी याद रखना नाउ अगेन वी आर गोइंग टू दिस लाइंस आई हैव ए लिटिल ब्रिंडल डॉग मुझे एक छोटा सा डॉग है वो डॉग कैसा है ब्रिंडल मींस ये ब्राउनिश कलर ऑफ एनिमल फर
जानवर के डॉग के शरीर में पूरा बाल होता है, हाँ वो बाल ऐसा ब्राउन कलर का था, भूरा कलर का था, ये है ब्रेंड है। जानवर का शरीर में जो ब्राउन कलर का बाल होता है इसको बोलते हैं ब्रेंडल, ब्रेंडल डॉग, ब्राउन कलर का जो बाल होता है वो ऐसा बोलते हैं। सील ब्राउन फ्रॉम टेल टू हेड, सील ब्राउन, सील मालूम है जो समुद्र में रहते हैं एक जानवर, सील SEAL सील, हमने पहले लर्न किया था सील के बारे में, ठीक है वो ये सील ब्राउन फ्रॉम टेल टू हेड, हेड से लेकर टेल तक पूरा ये एक ही ब्राउन कलर। हिज नेम आई गेस इज थियोडोर, उसका नाम है थियोडोर, बट आई जस्ट कॉल्ड हिम टेड, मैं उसको प्यार से बोलते हैं टेड। He's only about 8 months old. वो कितना उम्र का है? 8 month old. 8 महीने का बस, बिल्कुल छोटा है। 1 साल भी नहीं। I guess he's just a pup. ये अभी भी एक पप है, बच्चा है, डॉग का बच्चा। Daddy says he won't be larger. डैडी ऐसे कहते हैं ये बहुत लंबा नहीं होता। When he is all grown up, जब ये पूरा बड़ा हो गया तो तब भी, जो अडल्ट बन गया तो तब भी ये बहुत लंबा नहीं होता। He plays around about the house, ये कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर और चारों तरफ खेलते हैं। As good as he can be, जैसे उसको खेल सकते हैं। He doesn't seem like a dog, ऐसा एक डॉग की तरह नहीं लगता है इसको। He just like fox to me, fox is family, अपना परिवार में जो एक है उसी तरह लगता है, जो ऐसा एक जानवर जैसे नहीं लगता है, अपना एक फैमिली मेंबर के जैसे मुझे लगता है। हम जानवर को, पेट एनिमल्स को ऐसे अपने परिवार का एक हिस्सा बना के रखते हैं। When it is my bedtime, मैं रात में सोने के लिए जाते हैं। आप लोग सोने के लिए कितने बजे जाते हैं? जल्दी सोते हैं या लेट सोते हैं? 10-12 बजे तक बैठ के कार्टून देखते हैं क्या? ऐसा नहीं करना, टाइम पर सो जाना। 9 बजे तक बैठना, उसके बाद सो जाना। ये गर्मी से सोने के टाइम, बट टाइम से सोने का समय। एंड माँ इज मेकिंग द बेड, मम्मी बेड बना रहे। आई गेट इन माय पजामास, जो नाइट ड्रेस पहन के सोने के लिए जाते हैं। एंड विश गुड नाइट टू टेड, जब मैं सोने के लिए जाते हैं तब मैं टेड को गुड नाइट बोल के जाती हूँ। और आप भी बोलते हैं पापा मम्मी और घर पे जो रहते हैं सभी को गुड नाइट बोलते हैं क्या? सुबह गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और रात में गुड नाइट बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं क्या? ये छुट्टी के दिनों में सब कुछ शायद भूल गया होगा, भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा कंटिन्यू रखना अपना आदत होगा। My teddy is a playful dog. मेरा टेडी एक playful dog, वो खेलते रहते हैं हमेशा। He never growls or bark. ये कभी भी ऐसे जोर से आवाज नहीं बनाते हैं और भागते भी नहीं। But sometimes with his barking, कभी कभी वो भौंकते हैं। He keeps us up all night. रात में हमको ऐसे संभाल कर रखते हैं उसका, और कोई कुछ बाहर आएगा तो ये भोकते रहेंगे हमको संभाल के। We play fetch in the afternoons, हम afternoon में खेलते हैं इसके साथ। When I come home from school, मैं घर पे आते हैं स्कूल से, afternoon में जब हम पे स्कूल से आफ्टरनून में आते हैं क्या? हाँ, तब खेलते हैं। एंड ही एक्ट्स लाइक ए फूल, कभी कभी आई
carefully chase dead sometimes. मैं कभी कभी कैंडी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, तब एक फूल की तरह एक्टिंग करते हैं, वो भी खेलते हैं. इसलिए we love each other dearly. हम दोनों बहुत प्यार करते हैं. My little dad and me and my little dad. We are very best friends. हम बहुत अच्छा फ्रेंड्स हैं and always talk to you. हम हमेशा ऐसे अच्छा फ्रेंड बनने के लिए चाहते हैं, आशा करते हैं. समझ में आया? टेड के बारे में, टेड का पूरा नाम क्या था? तेओर. तेओर का भी स्पेलिंग लैंड. ओके. दिस वर्ड्स राइट इन योर नोटबुक अंडर लैंड स्पेलिंग. B R I N D L E Brindle. S E A L Seal. B R O W N Brown. Seal Brown. G U E double S Gus. F O L K S Folds. B E D T I N Button. P A P Y J A M A S Pyjamas. G R O W L S Grouse. B-I-T-E, bite. B-A-R-K-I-N-G, parking. P-L-A-Y, F-U-W-L-Y, playfully. C-H-A-S-E, cheese. D-E-A-R-L-Y, dearly. Understand? Write down these words in your notebook and learn. Okay.